आई होप सो आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज देखिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक डिश लेके आई हूँ। मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी की फेमस मट्ठा की आलू, जिन्हें हम दही आलू भी कहते हैं। और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, और इन्हें जब बनाएंगे तो ये मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। और ये डिफरेंट तरीके से चाहे आप इनको पूड़ी के साथ खाइए, चाहे रोटी के साथ खाइए, ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप एक रोटी की जगह चार रोटी खा जाएंगे। और ये कचौड़ी के संग बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं कैसे बना रही हूँ, और बहुत ही झटपट, जो कि 5 मिनट में या 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इसे बनाना शुरू करिए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही गाढ़े, देखिए कितने गाढ़े दिख रहे हैं ये। तो इसके पहले, इसके लिए हमने ले लिए हैं यहाँ पर 7 से 8 आलू। तो अभी आलू को हमें उबालना है। अब हम डायरेक्ट इनको प्रेशर कुकर में डाल के नहीं उबालेंगे। हम क्या करेंगे कि हम इनको जो है खोल के प्रेशर कुकर में उबालेंगे। तो पहले मैंने इनको बीच से काट लिया है, जिससे ये 5 से 7 मिनट में उबल के तैयार हो जाए। और मैंने इनको एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, करीब हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक, जिससे ये जल्दी से जल्दी उबल के तैयार हो जाए। तो क्योंकि अगर हम प्रेशर कुकर में उबालेंगे और सीटी देंगे तो ये ज़्यादा गल जाएंगे, तो इसीलिए हम खोल के प्रेशर कुकर को उबालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे ये जल्दी गल जाए और जो है हमारी आसानी से बन जाएगी रेसिपी। तो चलिए अब इसको उबाल लेते हैं हम इन आलूओं को। अब हमने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, और प्रेशर कुकर थोड़ी सी जो है हम मीडियम आंच पे रखेंगे, और इसको हम ऊपर से ढक देंगे। ये देखिए, अब ये देखिए 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से गल गए हैं, और मैंने इनको जो है एक जो है बर्तन में निकाल लिया है। तो ये करीब 5 मिनट लगता है, क्योंकि मैंने आलूओं को आधा आधा कर दिया था, तो ये सारे उबल गए हैं। चलिए अब देखिए आगे का प्रोसेस। हमने ये आधा किलो दही ले लिया था, तो हमने 2 ये ऐसे मेरे पास डिब्बे थे, मैंने उसमें जमा लिया था। तो घर का दही जमाने से फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ही जो है, आप देखिए कितना क्रीमी क्रीमी बना है, गाढ़ा गाढ़ा दही बना है, और अपने हिसाब से आप खट्टापन भी नहीं होगा। अगर आप रात में भी जमा के रखेंगे तो वो सुबह जो है इतना खट्टा दही नहीं होता है, और ठीक ठीक अच्छी कंसिस्टेंसी का बन जाता है। तो बहुत ही मलाईदार जब दही मैं जमा लेती हूँ थोड़ा सा जामुन डाल के, तो करीब ये आधा किलो मैंने जो है ये 500 ग्राम मैंने दही ले लिया था। और इस दही को हम अच्छी तरीके से अब जो है फेंट ले रहे हैं। तो एक बिस्कर की सहायता से इसको हम फेंट लेते हैं, क्योंकि जो मट्ठा के आलू या दही आलू या कोई भी दही की रेसिपी बनती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको स्मूथ बना के जो है डालना पड़ता है, जिससे जो है इसमें जो है लम्स ना रह जाए, जो सब सब्जी बने तो बहुत ही स्मूथ सी बने। तो इसके लिए हम अच्छी तरीके से इसको फेंट ले रहे हैं, और इतना फेंट ले रहे हैं कि ये इसके एक अच्छा सा एक जो है मिक्सर तैयार हो जाएगा, और इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होंगे। आप यह देखिए कितनी स्मूथ है, कितना स्मूथ सा एकदम दही नज़र आ रहा है। पहले की तरह वो वैसा नहीं नज़र आ रहा है, ये जैसे जो है थक्का थक्का सा होता है। अब हमने सारे आलू उबाल लिए थे। अब आलू को फोड़ने का तरीका है कि इनको हम काटेंगे नहीं, बल्कि हम इनको थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में जो है इनको फोड़ लेंगे। अब एक पैन ले लीजिए, और उसमें सिर्फ 1 चम्मच तेल डाल दीजिए, और 1 चम्मच तेल में हमने 1 चम्मच ही जो है मेथी दाना हमने इसमें डाल दिया है। और जो दही के आलू बनते हैं इसमें मेथी ही पड़ती है, जिससे इसकी बादी वादी हो तो वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें 2 हरी मिर्चा मैंने काट के मिला दी हैं। 2 हरी मिर्चा मिला के जैसे ही मेथी दाना थोड़ा सा लाल हो जाएगा, इसमें 2 हरी मिर्चा काट के मिला दीजिए, और इसे अच्छी तरीके से चला लीजिए। अब जो हमने दही रखा था, उस दही को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलूओं को उसमें तल लेंगे। आलूओं को तलने का इसमें तरीका होता है कि आप आलू इसमें डाल के अच्छी तरीके से इसी के साथ भून लीजिए, और हल्के लालामी आने तक इसको भूनते रहिए। तो इसको मैं ऐसे भून लेती हूँ, देखिए ये हल्के हल्के लाल भी हो गए हैं। तो मेथी और हरी मिर्च मैंने इनको भून लिया था, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे ही हल्के हल्के जब अच्छी तरह से भून जाएंगे, तो सब्जी खाने में और ये दही आलू खाने में बहुत ही अच्छा अलग सा स्वाद आएगा। अब ये एक ट्रिक है कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी इसलिए डालते हैं कि डायरेक्ट दही डालने से कभी कभी दही एकदम से फट जाता है। तो जो आपके मट्ठा के आलू या दही आलू बनते हैं वो बहुत ही फटे फटे बनते हैं, तो इसीलिए इसमें पानी डाल दीजिए, जिससे आलू जले भी नहीं। और उसके बाद जो हमने दही को फेंट के बनाया था वो इसमें आप डाल दीजिए, और साथ ही साथ इसको चलाना शुरू करिए। तो एक और ये ट्रिक है कि इसको कभी छोड़िएगा नहीं। अगर आप छोड़ देंगे कि तुरंत तुरंत दही फट जाता है, तो लगातार चलाते रहिए इसको,
और इसमें थोड़ा पानी और डाल दीजिए, क्योंकि गाढ़ा मेरा दही था तो इसमें पानी डाल दीजिए। अब इसको लगातार चलाइए। इसका जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने कढ़ी भी देखा होगा, इसको लगातार चलाना पड़ता है। आप लगातार चलाएंगे तो ये देखिए इसमें अपने आप ही उबाल आ गया है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, उसमें मसाले डालना शुरू करिए। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, बस इतना ही मसाला डालना है और फिर इसको चलाइए। तो उबाल बहुत जल्दी आ जाता है, जब जैसे ही आप चलाएंगे तो 2 या 3 मिनट में उबाल आ जाएगा। फिर आप मसाले डाल दीजिए और फिर इसको आप चला लीजिए। तो एक स्मूथ ग्रेवी बनाने के लिए इसको अच्छी तरीके से चलाते रहना। देखिए मैं कैसे चला रही हूँ, लगातार इसको आप चलाते रहिए। अब इसमें हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। तो बस इतना ही मसाला डाल के फिर से हम इसको अच्छी तरीके से चला देंगे। जितना ज़्यादा आप चलाएंगे उतना ही ज़्यादा ये खदकेंगे और टेस्ट पकड़ लेंगे अपना। तो ये देखिए इसको लगातार चलाते रहिए और चलाने के बाद फिर इसको आप ढक दीजिए। तो ढक दीजिए करीब 2 से 3 मिनट के लिए आप ढक दीजिए, जिससे ये अच्छा सा अपना स्वाद पकड़ लें। अब ये देखिए मैंने इनको खोल भी दिया है और ये देखिए इसमें जो है गाढ़ापन भी आ गया है, ये बहुत अच्छी तरह से खदक गए हैं और बनते बनते करीब 5 से 7 मिनट इनको पूरा हो गया है। तो 5 से 7 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएंगे। इसमें हरा धनिया से इसको गार्निश कर दीजिए और जो भी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, गाढ़े रखने हैं या पतले रखने हैं। देखिए मेरा थोड़े थोड़े गाढ़े हो रहे हैं और बाद में भी ये बहुत गाढ़े हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा गाढ़ापन मत रखिएगा, अपने हिसाब से बनाइएगा। और ये देखिए बनके तैयार हो गई, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इनको आप चाहे पूड़ी के साथ खाइए, ये पराठे के साथ खाइए, ये आलू कचौड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई मेहमान भी आ रहा है उसे भी आप खिलाएंगे। तो ये दही की डिश ऐसी है कि बहुत ही हेल्दी होती है, खाने में पचाने में बहुत आसानी होती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो एक डिनर या लंच का एक बहुत ही अच्छा सा एक आइटम आपका बन के तैयार हो जाता है। अब इसका गाढ़ापन देखिए, ये गाढ़ापन कितना ज़्यादा है, मैं आपको चम्मच से उठा के दिखा रही हूँ। बार देखिए यहाँ पर चम्मच से उठा के एक बार मैं दिखा रही हूँ कितना गाढ़ापन है। आलू कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं, हल्का सा खट्टापन आता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ स्माइल और ईट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड हो सकता आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा।